ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज की पांच बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। किस्मत कॉलोनी स्थित ठाकुर बिल्डिंग के सी विंग में प्लास्टर गिरने से हड़कंप मच गया, जिसमें एक व्यक्ति के घायल होने की भी खबर है। सूचना मिलते ही मनपा अग्निशामन दल के कर्मचारी मौके पर पहुंचकर इमारत को खाली कराया। इस इमारत में 19 मकान हैं, तो वहीं ग्राउंड फ्लोर पर माउंट मैरी इंग्लिश स्कूल भी है, मगर ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद दोबारा इस इमारत में रहने की इजाज़त दी गई है और इमारत को रिपेयरिंग करने के आदेश भी दिए गए हैं। राजस्थान में दूध का टैंकर पलट जाने से सड़कों पर दूध की नदी बहने लगी। जैसे ही हादसे की जानकारी आसपास के लोगों को लगी तो टैंकर की तरफ जिसे जो बर्तन मिला लेकर दौड़ पड़े। जानकारी के मुताबिक 13,000 लीटर टैंकर में दूध था। कुछ लोग उठाकर ले गए तो कुछ सड़कों पर बहता हुआ नजर आया। गुजरात के सूरत में बिजली के खंभे से चिपक कर एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। महिला रास्ते से गुजर रही थी, मगर बारिश की वजह से खंभे के पास पानी था। फिसलन की डर की वजह से महिला ने खंभे पर हाथ रख दिया और करंट लगने की वजह से महिला की जगह पर ही मौत हो गई। अजमेर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला और एक डॉक्टर को झगड़ा करते हुए देखा जा सकता है। महिला को एक कुत्ते ने काट लिया था। आरोप है कि जब महिला इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास गई और कहा कि उसे कुत्ते ने काट लिया है, तो जवाब में डॉक्टर ने भी कहा तो तुमने कुत्ते को क्यों नहीं काटा, जिसके बाद दोनों में विवाद हो गया। डॉक्टर प्रवीण ने महिला को धमकी भी दी और मामला बढ़ता देख के सोनी ने जाँच के लिए 5 सदस्यीय टीम बनाई है। वीडियो जेबी नगर सरकारी डिस्पेंसरी का है। कल एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके अंदर ये बताया गया है कि एक डॉक्टर ने एक पेशेंट से बदतमीजी की है, बदसलूकी की है। इसके जैसे ही सूचना मिलती है हमने एक जांच दल गठित कर दिया। एडिशनल सीएमएचओ डॉक्टर जोधा, 2 लेडी डॉक्टर्स और 1 सहायक प्रशासनिक अधिकारी जो हमारे कार्यालय मंजू गांधी है, ये 4 जनों को एक टीम गठित करती है, जो इसके 3 दिन के अंदर इसको जाँच करके जो भी दोषी होगा, अगर इसने दोष कहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देश में बढ़ती मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर मुंब्रा में सामाजिक संस्था सुल्ताना वेलफेयर ने जुमा के नमाज के बाद दारुल फला मस्जिद के सामने हाथों में काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्वक आंदोलन किया। इस पर कानून बनाने की मांग भी की। इस दौरान मॉब लिंचिंग में मारे गए लोगों के लिए दुआ भी मांगी गई। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।